दृश्यम मूवी आपको याद होगी, 2015 में अजय देवगन की एक मूवी आई थी दृश्यम, उसका सीक्वल 2022 में रिलीज होने वाला है, 18 नवंबर को रिलीज होगा। आज उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि जो 7 साल पुराना केस है विजय सलगांवकर को फिर से पुलिस अरेस्ट कर लेती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। और इस मूवी में अगर हम बात करें तो जो लीड रोल में निभा रहे हैं उसमें अक्षय खन्ना, तब्बू जो आज देशमुख का रोल निभा रही है, इन्हीं के ही बेटे सैम को विजय सलगांवकर जी के द्वारा जो पुलिस स्टेशन है उसके नीचे दफना दिया था, जो हमने दृश्यम वन मूवी में देखा था। और जो दृश्यम वन मूवी है वो किसका रीमेक थी, वो थी मोहनलाल के द्वारा, मलयालम में एक फिल्म आई थी मोहनलाल की, उसका रीमेक थी जो दृश्यम वन है। और जो मोहनलाल की जो दूसरी फिल्म आई उसका सीक्वल आया था वो OTT पर आ चुका था, आज से 1 साल पहले आ चुका है। अब जो दृश्यम है जो हिंदी वाली अक्षय जो अजय देवगन वाली है, इसका सीक्वल अब 2022 में रिलीज होने वाला है, 18 नवंबर को रिलीज होगा। तो इस मूवी का जो ट्रेलर आज जैसा कि मैंने बताया रिलीज हो गया, तो इस ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो अक्षय खन्ना, वहीं जो 7 साल पहले जो IG थी जिन्होंने मिस्टेक की थी कि एविडेंस की वजह से विजय सलगांवकर को क्या है रिलीज कर दिया, यानी सजा नहीं हुई थी, अरेस्ट नहीं हो पाया था और उसने अपनी पूरी फैमिली को बचा लिया था। इस ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि फिर से जो IG देशमुख हैं वो बताती हैं कि मैंने किस तरीके से जो 4th फेल है वो हमें चकमा दे गया था लेकिन इस बार हमें नहीं दे पाएगा। तो इस ट्रेलर में हमें दिख रहा है भाई अक्षय खन्ना की अगर हम बात करें तो इसमें उनकी जितनी भी अगर आपने उनकी मिस्टीरियस मूवी देखी होगी तो बहुत ही शानदार कमाल का वो रोल प्ले करते हैं, तो उनकी भी एक्टिंग हमें देखने को मिलेगी। और इस ट्रेलर की अगर हम बात करें तो ट्रेलर एंड होता है विजय सलगांवकर के कन्फेशन पर। तो ये पूरी मूवी है मिस्ट्री ड्रामा मूवी है, अगर आपको मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो अजय देवगन की जो मूवी है दृश्यम 2 आप इसको जाकर देख सकते हैं, 18 नवंबर को सिनेमाघरों में ये रिलीज होगी। अगर आपको मोहनलाल की दृश्यम 2 देखनी है तो वो आप OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, वो सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई थी। अगर आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। ऐसे ही और मूवी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिए।